અને હવે જોઈએ તમામ અપડેટ સમાચાર સુપરફાસ્ટ અંદાજમાં। मिजोरम 40 बैठकों पर चूंटणीनुं परिणाम मतगणतरी केन्द्रों की सुरक्षा वधारवामां आवी 8.52 लाख मतदारों 80% वोटिंग कर्युं। ZPM MNF बे पार्टीओ वच्चे जंग। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद माटे कवायत शुरू। महंत बालकनाथ ने दिल्ली बोलावामां आव्या। महंत बालकनाथ मुख्यमंत्री पद माटे प्रबल दावेदार। महंत बालकनाथ गोरखनाथ संप्रदाय साथे जोड़ायेला छे। तिजारा बैठक परथी महंत बालकनाथ चूंटणी जीत्या। राजस्थान मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ में भाजपनी जीत बाद मुख्यमंत्री कोण बनशे तेने लईने दिल्ली में महामंथन शुरू। दिल्ली हाईकमांड निर्णय लेशे। त्रण राज्यों की विधानसभा की चूंटणी में भाजपनी जीत बाद मुख्यमंत्री नाम पर मंथन। भाजप मुख्यालय में रात्र योजाई थी बैठक। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह हाजर रहा था। त्रणे राज्यों में पर्यवेक्षक मोकलवामां आवशे। पर्यवेक्षकों धारासभ्य दल की बैठक में उपस्थित रहेशे। दिल्ली भाजप कार्यालय कमलम में जश्न माहौल। पीएम मोदी जेपी नड्डा सहित दिग्गज नेताओं भाजप कार्यालय में जीतनी उजवणी करी। त्रण राज्य में भाजपनी बहुमती थी जीत ने लई पीएमनु संबोधन। पीएमए जीत ने ऐतिहासिक गणावी। आजे सबका साथ सबका विकास ने जीत। पीएम मोदी नु संबोधन। कहूं आत्मनिर्भर भारत संकल्प ने जीत गणावी। भारत विकास माटे राज्य विकास ने जीत। ईमानदारी सुशासन ने जीत थई छे। विकसित भारत विश्वास ने जीत थई। पीएमए कहूं त्रणे राज्यों की जनताए भाजप पर विश्वास मूक्यो। तेलंगाणा में पण भाजप ने समर्थन मळ्यो। कांग्रेस पर कटाक्ष करता पीएम मोदी कहू देश में ज्ञातिओ वच्चे भागला पाड़वानो प्रयास थई रह्यो छे। देश ने नारी शक्ति ने अभिनंदन। आ जीत में दरेक महिला पोतानी जीत जोई रही छे। पीएमए पोताना संबोधन में कहू अमारी सरकारे शौचालय वीजळी गैस बैंक अकाउंट में काम कर्यो। नारी शक्ति नो विकास भाजपना विकास नो महत्वपूर्ण स्तंभ। भाजप महिलाओं ने नवी ऊंचाई लई जशे। मोदी ने गेरंटी एटले गेरंटी पूर्ण थवानी गेरंटी। युवा विरोधी काम कर्यु ते सरकार सत्ता बहार गई। देशना युवाओ फक्त ने फक्त विकास इच्छे छे। पीएमए भाजपना तमाम कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन पाठव्या। जेपी नड्डाए भाजपनी जीत ने लई पीएम मोदी नेतृत्वना वखाण कर्या। नड्डाए कह्यु देशनी जनताए विकास ने आगळ राखी अमारी सरकार पर पसंदगी उतारी। मध्य प्रदेश में भाजपनी बहुमती थी जीत। मुख्यमंत्री निवास स्थाने कार्यकर्ताओं जमावड़ो। मुख्यमंत्री नु अभिवादन करवा कार्यकर्ताओं उमटिया। आज थी 22 डिसेम्बर सुधी संसद नु शियाळु सत्र। 19 दिवस सत्र दरमियान 15 बैठकों योजाशे। शियाळु सत्र में विपक्ष नो सरकार ने घेरवानो प्रयास। महुआ मोहित्रा पर एथिक्स कमिटी रिपोर्ट रजू करशे। शियाळु सत्र पहला वडाप्रधान मोदीए संबोधन कर्यु। कह्यु चार राज्यों परिणामों उत्साहवर्धक। देशना भविष्य ने समर्पित परिणाम। जयरे गुड गवर्नंस हो तो एंटी इनकम्बेंसी होती नहीं। आटला उत्तम जनादेश बाद संसद नवा मंदिर में मिली रहा छे। शियाळु सत्र पहला इंडिया नेताओं की बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक। शियाळु सत्र की रणनीति पर नेताओं करशे चर्चा। संसद सत्र दरमियान केटलाक मुद्दाओं पर चर्चा। मणिपुर में सरकारी हिंसाग्रस्त केटलाक जिल्लाओं में इंटरनेट सेवाओं पुनः स्थापित करी। सरहदी विस्तार में 18 डिसेम्बर सुधी इंटरनेट सेवाओं बंद। ओडिशा आंध्र प्रदेश पुडुचेरी में वावाजोड़ा खतरो। वावाजोड़ो में चंग चक्रवाती तूफान में प्रवर्तित थयु। वावाजोड़ा ने लई भारे थी अति भारे वरसाद की आगाही। कलाकना 80-90 किलोमीटर की झड़पे पवन फूंकाय तेवी शक्यता। वावाजोड़ा ने लई ओडिशा में भारी वरसाद की आगाही। ओडिशा में वरसाद ने लई येलो अलर्ट जाहिर करवामां आव्यो। आवतीकाले मिचांग वावाजोड़ो आंध्रना किनारे टकराशे। वावाजोड़ा ने लई तंत्र द्वारा तमाम तैयारी पूर्ण कराई। भारे वरसाद अने वावाजोड़ा खतरा ने लई चेन्नई अरकोणा में शहर में एनडीआरएफ की टीम स्टेन्ड बाय। मिचांग वावाजोड़ा कारण 17 ट्रेन रद्द करवामां आवी। दरिया किनारे थी लोगोनुं स्थळांतर। हवामान विभागे वावाजोड़ा ने लई चेन्नई में भारी वरसाद की आगाही करी। तेथी चेन्नई की तमाम शाला कॉलेज में आज थी 3 दिवस सुधी रजा जाहिर करवामां आवी।
भारे वरसाद खाबकता अनेक रस्ता पर पानी भराई गया। तमिलनाडु में भारे वरसाद कारण हाहाकार, भारे वरसाद चेन्नई सहित केटलाक जिल्लाओं में जलबंबाकार की स्थिति। वरसाद ने लई मुख्यमंत्री स्टाली ने शाला कॉलेज बंद राखवा आदेश आप्या। आज अने आवतीकाले तमिलनाडु में भारी वरसाद की आगाही। चेन्नई, चेंगलपट, रानीपेट, कांचीपुरम में भारी वरसाद, तिरुवल्लूर में भारी वरसाद की नीचाणवाला विस्तारों जलबंबाकार। तमिलनाडु में सतत वरसाद यथावत, भारी वरसाद कारण अनेक घर में पानी फरी वळ्या। रानीपेट में रस्ता पर वृक्ष धराशायी, वाहन व्यवहार खोरवायो। दाहोदना वातावरण में पलटो, संजेली नगर सहित आसपास विस्तारों में वरसाद। वरसाद ने लई खेडूतों में चिंता, जिलाना अनेक विस्तार में वादळछायुं वातावरण। राज्य में सतत बीजा सप्ताहे पण कमोसमी वरसाद, 8.5 इंच थी लई 1.25 इंच सुधी वरसाद खाबक्यो। 9 जिल्लाना 42 तालुकामां मावठानो वरसाद वरस्यो। 24 कलाकमां सौथी वधु महिसागर में 1.25 इंच वरसाद। मध्य अने दक्षिण गुजरात में आजे पण कमोसमी वरसादनी आगाही। आजे खेड़ा, पंचमहाल, दाहोद, महिसागर में वरसादनी आगाही। सूरत, तापी, नर्मदा, छोटाउदेपुर, भरूच में पण वरसादनी शक्यता। राज्य में मावठाना कारणे तापमान में घटाड़ो, वरसादी माहौल अने पवनना कारणे तापमान में 3 डिग्री नो घटाड़ो। नलिया में 14, भूज में 16, अमरेली में 19 डिग्री तापमान, राजकोट अने वेरावल में 18 डिग्री तापमान। डेडियापाड़ा में चेतर वसावा पर वरस्या, मनसुख वसावा कहू जेनी सरकार नथी ए लोको क्यांथी जमीन अपावशे, अमारी सरकार छे जंगलनी जमीन अमे अपावीशुं। खोटी रीते उश्केरनार लोकोथी आदिवासीओए सावधान रहेवू, जंगलनी जमीन आड़ेधड़ रीते न खेड़वी। केशोदना गादो एटोल टेक्स मुद्दे वेपारीओनी बैठक, विसावदरना धारासभ्य भूपेन्द्र बायाणी बैठक में हाजर रहा। आमंत्रण छटता मोटा राजकीय पक्ष आगेवानों गैरहाजर रहा, व्यापारियों में रोष। सूरत में फायर तंत्र एक्शन मोड में, फ्रेंड्स ट्यूशन क्लासीस की 5 शाखा सील कराई। रंदेड़ जोन में आवेला फ्रेंड्स क्लासीस सामे कार्यवाही। तक्षशिला अग्निकांड बाद पण न सुधरा संचालकों, फायर की एनओसी नहीं लेनार सामे कार्यवाही। संखेड़ा मांजरोल गामे वढ़वाणा तला में शियाळा आगमन साथ यायावर पक्षियों आगमन, चीद दर्शन माटे जंगल खाता द्वारा टावर पण उभो करायो छे। पक्षी प्रेमियों माटे वढ़वाण तला एक सुंदर स्थल छे, जे प्रवास माटे अत्यारे लोकोनु आकर्षण बन्यो छे। उवाड़सदनी कणावती यूनिवर्सिटी खाते फी मामले विद्यार्थियों में आक्रोश। अधर एक्टिविटी की फी ने लई विद्यार्थियों में आक्रोश, परीक्षा बे दिवस पहला फी भरवा विद्यार्थियों ने नोटिस अपाई। अधर एक्टिविटी नामे फी भरवा तंत्र द्वारा दबाण करातु होवाथी रोष। उत्तरायण ने लईने सूरत सीपी जाहिरनामो, चाइनीज दोरी और तुक्कल वेचवा पर प्रतिबंध, ढाबा पर लाउडस्पीकर वगाड़वा पर प्रतिबंध, ऑनलाइन वेचवाता चाइनीज दोरी सहित अन्य वस्तुओं पर प्रतिबंध। वडोदरा में स्वाइन फ्लू केस में वधारो, एसएसजी पेडियाट्रिक विभाग में निमोनिया 4 दर्दी दाखल, 48 कलाक में फ्लू 11 शंकास्पद दर्दी। महसाणा में पीएम आवास योजना की हालत बदतर, 65 मकान पाया की सुविधा विना 2 वर्ष की बंद हालत में, मकान में बारी बाणा सहित की व्यवस्था नहीं थी, लाभार्थियों ने चावी मळ्याना 7 महीना बाद पण सुविधा नहीं। जामनगर में चालू वर्षे बीजी वार सरकार द्वारा सौनी योजना मार्फते पानी छोड़वामां आवता खेडूतो में आक्रोशे। दरियाकांठे आवेल गामडाओं में पानी छोड़वाथी तेमना पाकने जीवनदान मळ्युं। सीरपकांडने लई अमदावाद ग्राम्य पोलीस एक्शन में, देतरोजना कोइंतिया गामेथी झड़पायो सीरपनो जत्थो, नशाकारो आयुर्वेदिक सीरपनी 3090 बोटल जप्त। पोलीसे सीरपनो जत्थो जप्त करी कार्यवाही करी। जूनागढ़ में तस्करों एक ज रात में 7 मकान ने निशान बनाव्या, अलग अलग विस्तारों में मकान ने निशान बनावामां आव्या। चोरों ने 6 मकान में निष्फळता मिली तो एक मकान में सोनाना अने चांदीना दागीना साथ रोकड़ लई फरार थया।
ખેડામાં સિરપકાંડમાં ફરાર બે આરોપીને પકડવામાં વડોદરા પોલીસ એક્શનમાં આરોપીઓને ઝડપી પાડવા ક્રાઇમ બ્રાન્ચે બનાવી ટીમ ગત રાતે આરોપીઓના કુટુંબીજનોની કરી હતી પૂછપરછ। રાજકોટમાં લાખો રૂપિયાની ખોટી ઉઘરાણી કરી પરિવારના ચાર સભ્યોના અપહરણ બાદ 14 વર્ષની તરુણી પર બે વખત દુષ્કર્મ આચરવામાં આવ્યો। વ્યાજે લીધેલા રૂપિયા ચૂકવી આપ્યા છતાં રૂપિયાની માંગ કરતા હતા। કુખ્યાત ગુનેગાર અને તેના પુત્ર સહિત ત્રણની ધરપકડ। નડિયાદના બિલોદરા સિરપકાંડમાં મૃત્યુઆંક વધ્યો। અમદાવાદના સોચાલી ગામના 22 વર્ષીય વિપુલ સોઢાનું મોત। નડિયાદની ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન મોત। ખેડાના બિલોદરામાં સિરપકાંડમાં મોટો ખુલાસો। આરોપી યોગેશની ફેક્ટરીમાંથી શંકાસ્પદ પ્રવાહી મળી આવ્યો। પોલીસ દ્વારા પંચનામાની તજવીજ હાથ ધરાઈ। પોલીસ અને ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગની ફેક્ટરીમાં તપાસ। ખેડાના બિલોદરામાં સિરપકાંડમાં મોટો ખુલાસો। આરોપી યોગેશ ઉર્ફે યોગીની નડિયાદ મુકમપુરામાં શંકાસ્પદ ફેક્ટરી હોવાનું સામે આવ્યું। પોલીસ ફૂડ એન્ડ ડ્રગ વિભાગની ફેક્ટરીમાં તપાસ। હોદ નકલી કચેરી કૌભાંડની વધુ બેની ધરપકડ કરવામાં આવી તો મુખ્ય સૂત્રધાર અબુ બકરના ભાઈ અને ભાણેજની ધરપકડ। અબુ બકરનો ભાઈ એઝાઝ પણ સમગ્ર કૌભાંડમાં સામેલ। વડોદરામાં નશીલી સિરપની ખાલી બોટલ મળી આવી। અકોટા સ્ટેડિયમ માંજલપુર સ્મશાનમાંથી મળી બોટલ। મોટી માત્રામાં નશીલી સિરપની ખાલી બોટલ મળી। વલ્લભીપુરના બરવાળા રોડ પર પાટણ નજીક બસ અને બાઇક વચ્ચે અકસ્માત। મિની બસે બાઇક ચાલકને અડફેટે લેતા બાઇક ચાલકનું ઘટના સ્થળે મોત। રાજકોટના જસદણમાં રખડતા શ્વાનનો આતંક। જસદણમાં શ્વાને 44 જેટલા લોકોને બચકા ભર્યા। 3 દિવસમાં 44 લોકોને શ્વાન કરડવાની ઘટના। અલગ અલગ વિસ્તારમાં લોકોને શ્વાન કરડ્યા। અમદાવાદમાં અકસ્માતનો સિલસિલો યથાવત। વહેલી સવારે પિકઅપ વાને પલટી મારી દીધી છે। ચાલુ વાહને ટાયર નીકળી જતા અકસ્માત। અકસ્માતમાં કોઈ જાનહાનિ નથી।